संत को संत मिलने आए, जय सिया राम। संत को संत मिलने आए, जय सिया राम। जय सिया राम। गीता महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया में आपको और अनिल विज जी को जो है मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, क्या कुछ समागम है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वास्तव में कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव है 2016 में प्रारंभ हुआ, और भगवद गीता क्योंकि केवल भारत के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो पूरे विश्व की प्रेरणा है और आजकल की समस्याओं का समाधान है, इसलिए जो ये निर्णय लिया गया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से कि गीता महोत्सव भारत से बाहर और देशों में भी हो, ताकि भगवद गीता की एक व्यापक पहचान, वैश्विक पहचान पूरे विश्व के सामने आ सके, उसी के अंतर्गत प्रथम जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में, दूसरा इंग्लैंड में हुआ, तीसरा पिछले वर्ष कनाडा में हुआ, और अब ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में भगवद गीता, स्टेट पार्लियामेंट्स में भगवद गीता, और समाज में एक संदेश जाए उसके लिए बड़ा एक सेमिनार। बड़ी बात ये है कि वहाँ उत्सव केवल सरकारी उत्सव नहीं है, केवल किसी एक संस्था का उत्सव नहीं, केवल स्वामी ज्ञानानंद का उत्सव नहीं, वो उत्सव वहाँ की सब संस्थाएं मिलके कर रही हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, हरियाणा सरकार का प्रोत्साहन उसके साथ है, जीवगीता के भाव उसके साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लगभग 70-80 संस्थाएं धार्मिक सभा सबकी सद्भावना उसके साथ जुड़ी है और सब लोग मिलके कर रहे हैं, और हमें प्रसन्नता है कि हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि रूप में इस बार हमारे अनिल विज जी वहाँ ऑस्ट्रेलिया गीता महोत्सव में पूरे कार्यक्रमों में साथ से। विचब गीता जयंती पे जो है आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से होगा? गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल अलग अलग देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल ये कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, और हरियाणा सरकार ने मुझे भेजा है कि मैं, गीता मुनिषी ज्ञानानंद जी भी जा रहे हैं और भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया कि मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। सब कब का कार्यक्रम है, कब जा रहे हैं? हम 25 तारीख को जाएंगे, 2 तारीख को वापस आएंगे।